सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। चार प्रकार के भक्तों का वर्णन किया था गीता में, और उस चार प्रकार में भी फिर दो प्रकार बना दिए उसको भी थोड़ा शॉर्ट करके। एक प्रकार के भक्त वो हैं जो अनन्य चित्त से अनन्य भक्ति करते हैं, ईश्वर के अतिरिक्त और किसी को अपना आश्रय, अपना सहारा, किसी को विश्वास का आधार नहीं मानते हैं। तो वो जो नित्य युक्त योगी हैं उनका योगक्षेम स्वयं ईश्वर निर्वहन करते हैं। और दूसरे वो बताए थे जो भिन्न भिन्न कामनाओं से भिन्न भिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन करते श्रद्धा पूर्वक ही हैं। तो जो वो श्रद्धा से अन्वित होकर के अलग अलग रूपों में भी जब ईश्वर की पूजा करते हैं, तो यद्यपि वो विधि उनकी ठीक नहीं है, अविधि पूर्वकम कहा उसको, यजंती अविधि पूर्वकम। ठीक विधि तो यही है कि ईश्वर ही एकमात्र सर्वव्यापक है और वही सर्वोपरि है, लेकिन फिर भी वो अलग अलग देवी देवताओं की भी श्रद्धा पूर्वक यदि भक्ति करते हैं तो यहाँ ईश्वर कहते हैं कि उसको मैं अपना ही मान लेता हूँ और उनको उनकी उस कामना की पूर्ति की जाती है। एक प्रसंग चल रहा था जिसमें आपका कोई प्रश्न है तो पहले पूछ लीजिए जी। प्रणाम दीदी, जैसे इसमें कल चर्चा हुई थी कि जो हम जैसे कार्य करते हैं चाहे वो शरीर वाणी मन आदि से, तो वो ईश्वर की पूजा है, तो उसमें खाली भाव जैसे कि ईश्वर के प्रति एक अच्छा भाव कि हाँ ये जो मैं कर रहा हूँ, चाहे अच्छा कार्य कर रहा हूँ बुरा कार्य कर रहा हूँ, ये मतलब ईश्वर की प्रेरणा से कर रहा हूँ, ऐसा मानते हुए कार्य करे तो ईश्वर की पूजा, या फिर पूजा करते समय आप क्या करते हो पहले वो बताओ, जिसको आप पूजा कहते हैं वो करते समय क्या करते हो? ईश्वर का भाव मन में रखते हैं। क्या भाव रखते हो? के भाव मतलब जैसे कि जो भी जला रहे हैं दीपक, कैसे करते हो पूजा? दीपक जला रहे हैं या फिर जो भी कुछ कर रहे हैं, दीपक जला है ठीक है, तो फिर उसमें भगवान को मतलब आश्रित मान के ये भगवान के लिए जला रहे हैं, या फिर ध्यान में बैठे भगवान का ध्यान लगाते बस। तो ध्यान अलग हो गया, पूजा तो दीपक जलाया बस आपने, इतना ही किया या और भी कुछ जलाया? बस दो अगरबत्ती और थोड़ा थोड़ी बहुत देर जो भी है रामायण वगैरह जो भी पढ़ने बैठ जाते, इससे ज्यादा क्या था? भाव क्या था उस समय? भगवान के प्रति एक अच्छा कर्म कर रहा हूँ। हाँ। बस तो सब में यही रख लो, हर काम करते समय ऐसे ही कर लो कि जैसे पूजा में ही बैठे हो। अब जब कक्षा में बैठे हो ना तो यही भाव कर लो, पढ़ाई के माध्यम से पूजा कर रहा हूँ तेरी, तो ये और वो बराबर ही हो जाएंगे। फिर दीप जला के बैठना, रामायण पढ़ना, और यहाँ कक्षा में आके गीता पढ़ना, और इस कक्ष को भगवान का मंदिर मान लो, क्योंकि सभी धाम उसी के ही हैं। जिसको आज आप मंदिर कह रहे हैं मान रहे हैं, वो भी तो बनाते समय जब किसी कारीगर ने बनाया तो ऐसा एक भवन ही था, वो तो आपने आस्था बना ली ना कि ये मंदिर है। जब उसको बनाया तो वो जूती पहन के चढ़ते थे दीवारों पे, उसकी ईंट की चिनाई करते समय कौन से वहां चप्पल निकाल के जाते थे, उसको बनाते बनाते बीड़ी भी पीते थे, चाय भी पीते थे,
उसका फर्श डाला तब भी चप्पल जूते पहन के डाल रही थी, तो सामान्य भवन था। अनेक लोगों की भावनाओं ने मिल करके उसको मंदिर बना दिया, तो आप सब आत्माएं मिलकर के इस वाले कक्ष को मंदिर मान लो। और ये जो पाठ है गीता का, इसको भक्ति मान लो, पूजा मान लो। ऐसे खाना खाएं तब कर लो, ऐसे व्यायाम करते समय वे कर लो, प्राणायाम के समय, यज्ञ के समय। और इसमें बर्डन नहीं होना चाहिए, ये एक खास बात है। दिमाग के ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए कि कभी अगर थोड़ी देर के लिए भी भूल गया, अरे ये तो मेरी भक्ति हुई नहीं, मैं तो भूल गया था, मुझे याद करना था। सहज होता है वो, किसी से प्रीति जो होती है तो उसके लिए कोई असहज नहीं होना पड़ता है। लोक में जिसके प्रति आपकी प्रीति होती है तो उसको सब समय स्मरण करते हुए कोई बर्डन होता है क्या, याद करना पड़ रहा है, याद करना, ऐसे थोड़ी होता है। और थोड़ी देर भी याद नहीं किया तो कोई अपराध बोध थोड़े फील होता है। वो एक सहज उसकी अनुरक्ति होती है उसमें, जिससे वो प्रीति करता है। ऐसा ही ईश्वर का भक्त होता है, उसको उसके अलावा और कहीं मन ही नहीं लगता है। वो कोई ऐसे बर्डन समझ के नहीं करता है, कोई प्रेशर समझ के नहीं करता है। और यदि प्रेशर समझ के कर रहे हैं तो फिर वो भक्ति होगी भी नहीं। अगर आपने ये दबाव मान लिया कि इतने मंत्रों का तो जाप करना ही है, ऐसा तो करना ही है, तो फिर वो होगा भी नहीं, भक्ति नहीं है फिर वो। और एक और, जैसे कि मान लो मैंने कुछ कर्म किया, भले जैसे कि अभी शहीदों के ऊपर ही ले लेते एक बात छोटी सी, कि उनकी जैसे कि उनके ऊपर प्राणघात हमला हुआ और वो शहीद हो गए, वो शहीद हो गए तो वो तो उनके कर्मों के कारण भले वो शहीद हुए या फिर कुछ भी हुआ उनके साथ में, तो इसका फल जैसे कि घर वालों को कैसे मिलेगा, क्योंकि वो तो उनके कर्म थे ना। घर वालों को नहीं मिलेगा, घर वालों को उस कर्म का प्रभाव पड़ेगा उसका। और फल तो उनको भी नहीं पता, नहीं मिला कि नहीं मिला नहीं कह सकते हैं हम, पर जिस व्यक्ति ने वो क्रिया की उनको मारने की, वो कर्म जरूर है, उस व्यक्ति को जरूर फल मिलेगा उसका। इनका पीछे का था या नहीं था ये नहीं कहा जा सकता है, पर अभी जिसने किया है वो तो निश्चित रूप से एक कर्म दिखाई दे रहा है, उसको तो फल मिलेगा। बाकी उनके साथ जितने भी लोग जुड़े हैं उनके ऊपर उस घटना का प्रभाव पड़ता है। जो ज्यादा क्लोज जुड़े हुए हैं उनके ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और आप जैसे जो दूर से जुड़े हुए थे, भावनात्मक रूप से जुड़े थे, नाम भी नहीं जानते थे, शक्ल चेहरा भी नहीं जानते थे, लेकिन भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे कि वो हमारे राष्ट्र के रक्षक हैं, हमारे हितेशी हैं, हमारे अपने हैं, तो हमारे ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है। तो जिसका जिसके साथ जितना अटैचमेंट होगा, जितना राग होगा, उतना उतना उस क्रिया का उस व्यक्ति पे प्रभाव पड़ेगा। जिसका अटैचमेंट नहीं उस पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो एक सीमा रेखा के उस पार है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप रोज तो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, वहां एक बस पलटी, इतने लोग वहां पर उसमें मारे गए, आप पढ़ लेते हैं और आराम से अखबार को साइड में रख के खाना खा लेते हैं, कहाँ प्रभाव पड़ता है। और जब वहां नीचे लिखा होता है आपके गांव का नाम, उस गांव की बस पलटी और वहां इतने लोग, तो फिर थोड़ी देर के लिए धड़कन रुक जाती है कि उसमें कहीं कोई हमारा तो नहीं था, और झट आप फोन करते हैं। तो प्रभाव है उनके परिवार के ऊपर, उसको फल नहीं कहेंगे। एक होता है कर्म, एक कर्म का फल, एक उसका प्रभाव। तो फल तो केवल कर्म करने वाले को मिलता है, कर्म का फल, प्रभाव दूसरों पे भी पड़ता है। और हमारे देश में जैसे कि पति और पत्नी होते हैं, तो पति पत्नी जैसे कि मान लो पति यज्ञ कर रहा है या फिर और कुछ भी ऐसा धार्मिक कार्य कर रहा है कुछ भी, तो उसमें माना जाता है कि दोनों मतलब बराबर के भागीदार हैं,
भले वो पत्नी करे या फिर ना करे, तो इसको कैसे मानेंगे? दोनों का संयुक्त कर्म है। कर तो रहा पति, खाली पत्नी थोड़ी कर रही, वो भी तो सामग्री डालती है, साथ में बैठी है। नहीं पर बैठना भी तो कर्म है। जैसे मान लो कहीं पे घूमने गए, अब वो दर्शन करने गया पति कहीं पे भी, जैसे कि मान लो शिव जी के, भगवान राम के, कहीं पे दर्शन करने गया, पत्नी तो घर पे बैठी है ना, तब नहीं मिलेगा। आपने कहा दोनों बैठे हैं यज्ञ आदि में, दोनों बैठे हैं तो दोनों को मिलेगा। दोनों बैठे तो मिलेगा, पर बाकी यूं तो ज्यादातर जैसे बाहर जो लोक में एक जाएगा तो एक को ही मिलेगा। पुरुष घूमता है, स्त्री तो नहीं घूमती। जैसे पुरुष वाला मिलेगा, महिला जो घर में अपना कार्य कर रही है उसको उसका मिलेगा। वो भी तो कुछ कर रही है, रोटी बना रही है, झाड़ू लगा रही है। सब जीवों को अपने अपने कर्म का फल मिलता है, और कर्म केवल हाथ से नहीं किए जाते हैं। ये एक अगली बात बता रही हूं मैं। आप कहते हो ना यज्ञ में घी तो पति डाल रहा है, वो तो बैठी है पास में, बैठना भी तो एक कर्म है ना। कर्म मतलब क्रिया, आस उपवेशनी धातु है, आस्ते बैठता है, ये क्रिया है अपने आप में एक। जो आपके गेट पे बैठा है सिक्योरिटी गार्ड, वो क्या कर रहा है? बैठा ही तो है, सुरक्षा कर रहा है। अरे सुरक्षा के लिए कौन सा मतलब तलवार चला रहा है? कुर्सी पे तो बैठा है ना। तो बैठने की भी सैलरी मिलती है कि नहीं मिलती? क्योंकि बैठना भी एक कर्म है, खड़ा रहता है तो खड़े रहना भी एक कर्म है। सीमा पे सिपाही क्या कर रहा? खड़ा ही तो है। युद्ध तो जब कभी होता है उस समय उसको हथियार उठाना होता है, उसके अतिरिक्त समय में तो खड़ा है वो, लेकिन खड़ा होना भी तो एक कर्म है ना। तो जो जैसा कर्म करता है तो कर्म का फल उसी व्यक्ति को मिलता है, लेकिन उसका प्रभाव जितनी उसकी रेंज है उतने लोगों को उसका प्रभाव पड़ता है। एक जो शहीद, एक जो राष्ट्रभक्त सिपाही है, वो पूरे देश के साथ जुड़ा हुआ होता है एक तरह से, वो राष्ट्र की संपत्ति है। उसके साथ जो भी घटना घटित होती है, अच्छी या बुरी, उसका प्रभाव पूरे देश पे पड़ता है। कुछ व्यक्तियों का व्यक्तित्व तो ऐसा होता है ना जो पूरे राष्ट्र से जुड़ा होता है। एक खिलाड़ी है जो राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए गया है, तो उसका व्यक्तित्व तो पूरे राष्ट्र के साथ जुड़ा हुआ है। तो यदि वो जीतता है तो सोचते हैं भारत जीत गया, वो हार जाता है तो भारत हार गया। उसके जीतने पर पूरे देश के लोगों को खुशी होती है, उसके हारने पर पूरे देश के लोगों को निराशा होती है। तो ये है प्रभाव और वो है फल। जी धन्यवाद जी। ओम दीदी, जैसे भी कहा था, जो साधक है वो अन्य देवी देवताओं का यजन करता है, ये विधि ठीक नहीं है। तो जैसे नामदेव जी हैं, एकनाथ जी हैं, कर्माबाई हैं, इन भक्तों के चरित्र में देखा जाता है, जैसे नामदेव जी ने भोजन बना रहे थे तो कुत्ता रोटी उठा के लेके चला जाता है, तो उनके पीछे घी का डिब्बा लेके जाते हैं भागते हुए कि प्रभु रुको थोड़ा घी तो लगाने दो, आपके लिए भोग लगा रहा हूँ। और एकनाथ जी दक्षिण भारत की तरफ जा रहे थे जल अर्पण करने के लिए, तो यात्रा के दौरान एक गधा उसके मुख में गंगा जल डाल दिया। और कर्माबाई काठ की मूर्ति में उनके यज्ञ पूजा करती है, भोजन खिलाने का प्रयत्न करती हैं, तो इनकी विधि फिर कैसी है? सर्वव्यापक है उनकी। कैसी? अगर उनके सर्वव्यापक नहीं होते तो वो कभी भी गधे के मुंह में जल नहीं डालते। जल तो लाए थे शिव जी के लिए, कितनी दूर से लाए, उत्तर भारत से, गंगा से लेके गए और रामेश्वरम में चढ़ाना था। अगर वो हर प्राणी में उसका वास नहीं मानते तो गधे को नहीं डालते फिर। तो उनकी दृष्टि ये थी कि सब प्राणियों में वो ही सर्वशक्तिमान ही विराजमान है। और जिन्होंने कुत्ते के पीछे जो घी लेके दौड़े, उसके पीछे भी वही दृष्टि है। नहीं तो वो अपने वो जो मंदिर में रखते हैं बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, जो भी, उसको भोग लगाते उसका, बोले एक ये कुत्ता ले गया तो कोई बात नहीं, अब मैं दूसरी रोटी बनाता हूँ अपने बाल गोपाल के लिए।
लेकिन उनको तो उसमें भी वही दिखाई दे रहा था और उसमें भी वही दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने कहा कि मेरी विधि पूरी होती घी लगाने के बाद, तो आप बीच में उठा के ले गए, तो थोड़ा घी और लगवा लो। तो जो वो उनका भाव होता है संत हृदयों का, उनको तो हर जगह वो ही दिखाई देता है, क्षुद्र प्राणी में भी वही दिखाई देता है। आप देखे तो गधे को तो बेचारे को सबसे निकृष्ट प्राणी माना जाता है, तो किसी को गाली दी जाती है, और कुत्ते को भी निकृष्ट माना जाता है, उसके लिए भी गाली दी जाती है किसी आदमी को जब निकृष्ट कहना होता है तो। लेकिन उनको निकृष्ट प्राणियों में भी वो ही एक चेतन तत्व दिखाई दे रहा था। लेकिन दीदी अब ऐसा क्यों नहीं दिखता संतों में? है जी, अब वो वाली दृष्टि नहीं दिखती अक्सर करके? दिखती है, जो संत है उनको वो आज भी ऐसा ही आचरण करते हैं। सत्य इस पृथ्वी के ऊपर सदा प्रतिष्ठित रहा है, आज भी है, आगे भी रहेगा। सब समय में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग होते हैं, संत भी होते हैं, सामान्य मनुष्य भी होते हैं, निकृष्ट भी होते हैं, सब युगों में सब समय में। आज भी बहुत अच्छे संत हैं, सामान्य मनुष्य भी हैं, बहुत निकृष्ट भी हैं, आगे भी ऐसा ही रहेगा। होगा जी। दीदी आपने बोला था कि ईश्वर भुक्ता कैसे है, कल आपने कहा था कि आप देख के आना, तो मैं ऐसा समझा हूं उसे कि योग दर्शन में बताया है, सांख्य दर्शन में पहला पाद 108वां सूत्र है भोक्तृभावात्। तो अगर ईश्वर का अंश आत्मा को माने तो उसमें ये है कि सारी जड़ प्रकृति का भोक्ता आत्मा है, जितनी भी दिख रहा है जो कुछ भी प्रकृति उसका भुक्ता आत्मा है। तो नदी अपना पानी नहीं पीती, फल वृक्ष अपने फल नहीं खाते, ऐसे ही दृश्य सारे जगत का भुक्ता ईश्वर, ऐसे में समझा। और सबको दिया था। हाँ ओम दीदी जी, हमारी भक्ति रूपी भेंट स्वीकार करने वाला भगवान भुक्ता है। ये वाला पूरा कर दो ना पहले, इसे एक पे डिस्कस कर लें पहले। भोक्ता मतलब क्या, उन्होंने कहा था ना कल भोक्ता, हम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, सब यज्ञों का मैं ही भोक्ता हूँ, मैं ही प्रभु हूँ। तो ये भोक्ता का क्या अर्थ समझा आपने, क्योंकि जो कर्ता होता है वो ही भोक्ता होता है, ये नियम है। और ईश्वर को अकर्ता माना है। ओम दीदी, वैसे देखा जाए तो ईश्वर परिपूर्ण है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। देखा जाए तो है, देखा जाए ना, देखा जाए तो है, वास्तविक ही है। ऐसे बोलो, एक एक शब्द का प्रयोग मतलब अलग प्रभाव होता है भाई। लेकिन कुछ देवों के द्वारा, यज्ञ के द्वारा या रोगियों को सहायता करते हैं, निर्धन है उनको धन देते हैं, तो उनके द्वारा परमात्मा को जाता यानी प्रसन्नता होती है, देने वाले को लेने वाले को उनके द्वारा परमात्मा स्वीकार करता है। तो मैं ऐसा समझाऊं? हाँ ये ठीक, सम्यक दृष्टि है ये, क्योंकि सब में ईश्वर का ही अंश है ना, तो हमारी दृष्टि में है वो, कोई निर्धन है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई यज्ञ करने वाला है, लेकिन वास्तविक दृष्टि क्या है, सब में एक ही चेतन तत्व है। इसलिए जिस किसी को भी आप देते हैं तो आप ईश्वर को ही देते हैं, आप किसी को गाली देते हैं तो ईश्वर को ही गाली देते हैं, आप किसी से घृणा करते हैं तो ईश्वर से ही घृणा करते हैं, क्योंकि ईश्वर ही बैठा है उसके अंदर। आप किसी को सम्मान देते हैं तो ईश्वर को ही सम्मान देते हैं, आप किसी को भोजन करवाते हैं तो ईश्वर को ही भोजन करवाते हैं, क्योंकि वो ही है। ये बाहर के रूप जो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं ये व्यवहार के लिए जरूरी है, नहीं तो संसार का व्यवहार नहीं चलेगा। फिर अगर मैं आप सब में एक ही चेतन तत्व को देखूं और आपसे कहूं कि हे चेतन तत्व पाठ सुनाओ, तो कौन सा चेतन तत्व सुनाएगा?
नाम लेना पड़ेगा ना क्यों, कोई ना कोई तो, कि फर्स्ट नंबर चेतन, सेकंड नंबर चेतन, ऐसे बोलना पड़ेगा, कुछ तो उसकी पहचान करनी ही पड़ेगी ना। तो इसलिए ईश्वर ने आकृतियां अलग बना दी और कुछ डेजिग्नेशंस अलग अलग बना दिए कि एक गुरु होगा, एक शिष्य होगा, एक बच्चा होगा, एक माँ होगा, एक आत्मा, एक आत्मा बड़ा भाई होगा, दूसरी आत्मा छोटा भाई होगा, ऐसे ऐसे बना दिए, सबकी आकृतियां अलग बना दी। एक आत्मा बर्तन बनाने वाला होगा, एक आत्मा अन्न उत्पन्न करने वाला होगा, लेकिन हैं दोनों आत्मा ही। तो हम, और दूसरा है, चलो और बता दो फिर मैं इसको और बताऊंगी आगे, और किसी ने क्या सोचा भोक्ता के रूप में, इन्होंने सोचा वो ठीक है, इनको दे दो। मेरा भी उत्तर लगभग ऐसा ही है दीदी कि भगवान जो है हर वस्तु में है, हर आत्मा में है, तो हर मतलब जो व्यक्ति जिस प्रकार कोई चीज को ग्रहण करता है, हर आत्मा, तो वस्तुतः वो भगवान भगवान ही मतलब उसके माध्यम से ग्रहण कर लिए कर रहे होते हैं, भोग कर रहे होते हैं। कर्ता भी तो उसी को मानना पड़ेगा ना, ईश्वर यदि भोगता है तो कर्ता भी तो मानना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि नियम क्या है, जो कर्ता होता है वो ही भोक्ता होता है। हाँ, तो कर्ता ही इस रूप में। जो इन्होंने सांख्य दर्शन के सूत्र का प्रमाण दिया उसका मतलब क्या है, यही है कि जो कर्ता है वो भोक्ता है, लेकिन ईश्वर तो कर्ता है नहीं। हाँ, वो जो कर्ता जो कर्म जो कर रहे हैं समस्त जीव आत्मा, वो उसकी उपस्थिति में कर रहे हैं, तो इस दृष्टि से वो कर्ता मतलब नहीं हुए, उसकी उपस्थिति मात्र से समस्त सृष्टि जो चल रही है इस दृष्टि से वो अकर्ता हुए। और इसके अतिरिक्त ठीक है दीदी जी, ठीक, जो प्रसंग पहले भी चला था, जैसे एक माता जी मम्मी, पहले उदाहरण नहीं दिया जाता, पहले सिद्धांत को स्थापित किया जाता है। नहीं, वही भाई मैं सिखा रही हूँ आपको, कोई सत्य अपना स्थापित करते हैं तो सबसे पहले उसकी प्रतिज्ञा की जाती है कि ये सत्य है, फिर उसका हेतु दिया जाता है कि ये उसका कारण है, फिर तीसरे नंबर पे उदाहरण दिया जाता है। पहले ही स्टेप पे उदाहरण देंगे तो प्रतिज्ञा स्थापित नहीं होगी, आपका सत्य स्थापित नहीं होगा, इसलिए पहले सत्य स्थापित करो। जो यज्ञ हम सत्य स्थापित कैसे होगा, ईश्वर भोक्ता है, ये होगी प्रतिज्ञा। अब हेतु दो क्यों, फिर उदाहरण दो। जो भी वस्तु है इस संसार में, हम लोग उन्हीं की वस्तु को उन्हीं पर अर्पण करते हैं, तो मैंने एक्चुअली दीदी जी उदाहरण से मैंने ऐसे समझा था, क्योंकि आपने जो पहले जो टॉपिक दिए थे, टॉपिक इसी में बात भी हुआ था कि माँ जो होती है बच्चे को कुछ लेके आती है बाजार से, तो बच्चा पहले माँ को देने के लिए तत्पर होता है, क्योंकि माँ ने ही लेके आई होती है, पर फिर क्या होता है कि बच्चे क्या सोचता है कि मैंने माता जी को दे दिया, तो माता जी भी उसको प्रसंग करने के लिए थोड़ा ग्रहण कर लेती है, तो बच्चे को भी संतुष्टि होता है कि हाँ मैंने दिया चीज जो है माता जी को, यानी कि उसको उन्होंने ग्रहण किया बोल के वो संतुष्ट होता है। तो ऐसे ही हम लोग भी जो कर रहे हैं उसको उदाहरण ले सकते हैं, ऐसा मैंने समझा। ठीक है, कुछ अंश में है पूरा, क्योंकि इसमें बहुत सारे दोष आएंगे, क्योंकि हम आप लड्डू खिलाने में तो ठीक है माँ को भोक्ता बना लेंगे, पर जब डंडे खाने पड़ेंगे तब फिर माँ नहीं खाएगी, बच्चे को ही लगाएगी फिर। नहीं, वो तो समझने के लिए दीजिए वो उदाहरण भी कई बार दुष्ट होते हैं ना, जब आप न्याय दर्शन पढ़ोगे ना, तो इन तीन तत्वों में से एक भी यदि खंडित हो जाता है, आपकी प्रतिज्ञा या हेतु या उदाहरण, तो वो आपका सत्य स्थापित नहीं माना जाएगा, फिर वो आपका सत्य खंडित हो जाता है। इसलिए कम से कम तीन चीज तो बिल्कुल ठीक बतानी पड़ेंगी आपको, आपकी प्रतिज्ञा, उसका हेतु और उदाहरण। उपनय निगमन वो उसमें पुनर्वचन ही होता है, तो वैसे तो पंचावयव से होता है कोई सत्य स्थापित, इसके अतिरिक्त और किसी का कोई मान्यता है तो बताओ। इस ये अभी तक जो बताई ये तो हो गया, एक हो गया ये, ईश्वर भोक्ता है, पर बाकी इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि एक आम मानव की तरह जैसे किसी वस्तु का भोग कर रहा है।
ऐसे थोड़ी होता है। भोक्ता है तो वो कैसे है, उसी को स्थापित करना है। ओम दीदी जी, मतलब श्लोक में कहा गया कि यज्ञ के वा मतलब कोई देवता के नाम पे जो हम करते हैं कुछ, वो ईश्वर मतलब स्वीकार कर लेते हैं, ग्रहण कर लेता है यज्ञ का आहुति आदि सब, इस दृष्टि से भोक्ता कहा गया है। आपका स्पष्ट नहीं हुआ। ओम दीदी, ईश्वर भोक्ता इस हिसाब से कि इस सृष्टि ईश्वर की शक्ति से चल रहा है, जिस प्रकार आपका 11 प्लेयर जो मैदान में खेल रहा है उनकी खेलने से जीत हार से पूरा देश की जीत हार बताए जाते हैं, वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसी प्रकार ये ईश्वर इस सृष्टि का कर्णधार है, सर्वशक्तिमान है, उसकी शक्ति सब कुछ चल रहा है, उसकी शक्ति उसकी उपस्थिति सब कुछ हो रहा है। इसके लिए मतलब ये जो कुछ भी हो रहा है मतलब ईश्वर को भोक्ता माना। वो तो वही है, एक ही आप सबका मत एक ही जैसा है। आप सबका कुल मिलाकर के मत जो है वो ये है कि ईश्वर सब में विराजमान है और जो हम सब भोग रहे हैं तो वो वास्तव में ईश्वर ही भोग रहा है। ये मतलब एक कॉमन मानसिकता आपकी है, वो एक दृष्टि से ठीक है, लेकिन उसमें फिर कई सारे दोष भी आएंगे। उसमें पहला दोष तो ये है कि ईश्वर को फिर कर्ता मानना पड़ेगा, क्योंकि भोक्ता वही होता है जो कर्ता होता है। फिर आपने जो कहा कि नहीं वो उस रूप में भोक्ता नहीं है, वो तो उसका प्रभाव होता है, जैसे कोई खेल रहे हैं और पूरे देश पे उसका प्रभाव पड़ता है, वो प्रभाव है, वो भोक्ता नहीं है। देश वाले लोग उसके भोक्ता वही है, शील्ड उसी को मिलेगी जो खेला है, मेडल उसी को मिलेगा, देश को नहीं मिलने वाला है। देश के ऊपर तो प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ तो सीधा कहा सर्व यज्ञानाम अहम एव भोक्ता, सब यज्ञों का। तो एक तो विशेष बात यह है कि वो यज्ञों का भोक्ता है, यहाँ पर यज्ञानाम कहा। यज्ञ का मतलब क्या है, जो अपने लिए नहीं किया जाता है। सारी सृष्टि ही यज्ञ कर रही है ना, तो सारी सृष्टि जो कर्म कर रही है वो कर्म करके भी अपने लिए नहीं कर रही है, तो करने के बावजूद भी सृष्टि क्या है, अकर्ता रूप है। जैसे सूर्य चमक रहा है तो अपने लिए नहीं चमक रहा है ना, तो उसका चमकना ये क्रिया करते हुए भी सूर्य अकर्ता जैसे है। तो ये सारी सृष्टि किसी और के लिए बनी है, और कैसे किस भाव से बनाई है ईश्वर ने, सह यज्ञा मया सृष्ट्वा पुरोवाक प्रजापति, इस सृष्टि को मैंने यज्ञ सहित रचा है।